हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और दिन आज शनिवार का, तारीख है 16 अप्रैल और दोपहर के बज गए हैं, 2:40 का टाइम हो गया है। और वरुण को लेकर आई हूँ मैं अभी अभी स्कूल बस स्टॉप से, और उसको मैंगो काट कर दे दिया। उसके लिए एक मैंगो ना फ्रिज में रख कर गई थी मैं, तो वो काट कर ना उसको दे दिया है। वरुण को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंगो शेक, मैंगो, इस तरह की चीज़ें वरुण को, मैंगो खासकर उसको खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने लिए यहाँ पर जो है वो जाने से पहले चावल भिगो कर गई थी। जब तक वरुण मैंगो खाएगा मैं तड़का लगा दूँगी चावलों में, नमकीन चावल जो है वो बना रही हूँ। और मैं सुबह का खाना पीना बना के मैं लेट गई थी, जैसे मैंने आपको बताया तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और ऐसा हुआ कि मैं सोचा मैं सो जाऊँ, सोने के बाद क्या पता थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाए बॉडी। लेकिन बार बार मैं, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं आराम भी ढंग से नहीं कर पाई। 1-1.5 घंटा मैं खूब अच्छे से सोई, उसके बाद आराम कर पाई फिर मैं। और अभी जो है फिर मैं सोचा कि मैं जब दोपहर का खाना बनाऊंगी, बर्तन वगैरह मैं तभी साफ करूंगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, वैसे फैले फैले से लग रहे, क्योंकि कुकर वो क्या है कढ़ाई इसी में है, एक दो बर्तन और टेढ़े मेढ़े ऐसे ही रखे हैं, तो थोड़ा सा जो है सिंक भरा भरा सा लग रहा है, अदरवाइज बर्तन बहुत ही कम है। अभी जो है थोड़ा बहुत जैसे ये हुआ था ना कि बॉडी में कि हाँ मैं उठ सकती हूँ, उसके बाद मैं लगी हूँ काम पर। क्योंकि अपने घर के काम जो है देखो, औरत के बिना तो कोई करता ही नहीं है, सारे उसको ही करने होते हैं। अब आप मेरे घर से अंदाज़ा लगा लो, कोई नहीं है करने वाला, सब मतलब जो है बच्चों को भी मतलब मेरे को भी बना कर देने वाला कोई नहीं है, तो आप ये समझ लो कि सारे काम मुझे ही करने होते हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था, दिया आप जो है अभी छुट्टियां पड़े तो घर चले जाना, तो मैं जाऊंगी 2-4 दिन के लिए, देखूंगी जब छुट्टियां आऊंगी तभी। छुट्टियां तो जून वगैरह में जाके ही होंगी, अभी तो होनी नहीं है, तभी बहुत लंबा टाइम है छुट्टियों का था। और अभी जो है कर लेती हूँ साथ साथ में बर्तन साफ, जब तक जो है मेरे चावल बनेंगे तब तक बर्तन जो है वो साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि चावल जो मैं खुले बनाती हूँ, सीटियाँ नहीं लगाती हूँ कभी भी चावलों में, और सिम पे पकाती हूँ, एक बार जैसे उफान आ जाता है ना उसके बाद सिम पर पकाती हूँ। तो जी अभी जो है बर्तन वगैरह जो है मैं साफ़ हो गए, सारा सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, चमका दूंगी सिंक को भी, और फिर उसके बाद जो है मैं चमकाने वाली हूँ पूरे घर को। क्योंकि मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लो, जिस घर में 2 दिन से पोछा ना लगाओ तो, और छोटे बच्चों वाला घर हो तो कितना बुरा हाल हो गया। जगह जगह मतलब कहीं कुछ गिरा दिया बच्चों ने, कभी कुछ गिरा दिया। और अभी काट दिए मैंने अपने और हिमांग के लिए, एक मैंने खीरा काटा वरुण के लिए, हिमांग अपने मामा के घर गया। और अभी जो है साथ साथ में खाना वगैरह खा के अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे घर में, एक एक कमरा में आपको दिखाऊंगी कितना बुरा हाल हो गया। एक तो आंधी आई थी, आंधी आने के बाद से ही मेरी तबीयत जो है उसके उस दिन के बाद से ही तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो करने वाला कोई है नहीं, ऐसे ही फैला पड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा बहुत उठूंगी तभी जाके थोड़ा बहुत मैं कर पाऊंगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए कुछ, मैं जब इस तरह काम कर रही हूँ तो किचन में काम कर रही हूँ तो मैं अपने लिए भजन वगैरह कुछ लगा लेती हूँ ताकि दिमाग थोड़ा शांत रहे, दिमाग रिलैक्स रहे। और मुझे अच्छा लगता है भजन वगैरह सुनना अकेले में जब होती हूँ ना तब। तो क्या हुआ था ये ना, उठकर मैं कभी थोड़ा बहुत क्या होता है कि अगर घर फैला हुआ लगता है, एक तो आप बीमार, ऊपर से घर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, तब भी ना मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, किस किस के साथ ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा होने के बाद अगर आप झाड़ू पोछा नहीं करते हो ना घर में, तो घर में ना अजीब सी गर्माहट सी रहती है, बहुत ही अजीब सी गर्माहट रहती है। और जब झाड़ू पोछा लग जाता है ना, स्पेशली झाड़ू नहीं पोछा लग जाता है, और पोछा लगा के कुछ देर के लिए आप पर्दे वगैरह बंद कर देते हो, फैन चला के छोड़ देते हो, पूरे घर में कितनी अच्छी ठंडक बनती है ना, वो वाली ठंडक आप जो चाहे एसी भी चला कर छोड़ दो तब भी नहीं बनती है। तो वही हाल हो रखा था मेरे घर का, जो है ना तो पोछा लगा था और झाड़ू में भी कुछ जो है आंधी वगैरह 2 दिन आई है, तो उसका बुरा हाल हो गया था उसकी वजह से। और ये पीछे का एरिया जो वरुण वाले रूम के साइड का जो है ओपन एरिया जो है ये वो है, यहाँ से आंधी आई थी ना तो काफ़ी डस्ट वगैरह जो है वो आ गया, थोड़े बहुत पेड़ों के पत्ते वगैरह वो आ गए हैं। इसको भी है ना साथ साथ में मैं झाड़ू लगा लूँगी और बाद में इसको धुल दूँगी या पोछा लगा दूँगी, देखूँगी जो भी होगा वो मैं करूँगी अभी। लेकिन हाल जो है बहुत बुरा हो गया था। और फिर बाद में जब हम ये काम कर लेते हैं ना कि हमें जब पता भी है हमें कि करने वाला कोई नहीं है, करना हमें खुद ही है, ना ही कोई करके देने, एक कप चाय तक कोई कर करके मतलब ये जो है बनाकर देने वाला नहीं है, हमें खुद ही करना होता है। तो बस यही होता है कि हाँ बस उठ लो, एक बार लगने की देर है, या तो हमसे उठा ही नहीं जाएगा। अगर उठ भी गए ना
तो उठने के बाद लगे हाथ सारे काम जो है वो निपटा दो, एटलीस्ट ऐसा कर दो कि घर में मन लगने लायक जो है वो हो जाए। जब तक घर में झाड़ू पोछा भी नहीं होता ना, तब तक घर में मन भी नहीं लगता है, और घर में इतना बुरा हाल रहता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहता है। अभी आप खुद देख लो कितना जो है डस्ट जो निकल के आ रहा है, और वरुण ने एक घड़ी बनाई थी, एक डिब्बा फिर से ख़राब कर दिया, उसी चक्कर में फिर ये यहीं घूमता पड़ा था, क्योंकि परसों काटा था, कल मेरे से झाड़ू नहीं पोछा नहीं लगा, झाड़ू भी नहीं हुआ था, और आज सुबह से भी जो मतलब कल सुबह से ही जो है वो कोई पोछा वो झाड़ू नहीं हुआ था। हिम्मत ही नहीं थी, शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। अभी थोड़ा वरुण को लेने गई ना, थोड़ा बहुत मैंने रिलैक्स फील कर रही थी, थोड़ा बहुत कुछ जैसे रास्ते में ना एक वो लेकर आए थे हम, फिर वरुण बोला कि मम्मी उसको ना कुरकुरे खाने, तो कुछ कुरकुरे मैंने भी खाए, और जो क्रंची टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा सा मुँह का स्वाद होता है वो भी जो है वो बदल जाता है, मुँह का स्वाद जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है वो काफ़ी अच्छा जो वो लग रहा था। थोड़ा बहुत कुछ नया ट्राई करने से ना, नया खाने से मुँह का टेस्ट जो है वो बदल जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। या अपने लिए कुछ जो है प्याज टमाटर नमकीन वगैरह मिला के उसमें कुछ दाने जो मीठे के होते हैं ना वो मिला के कुछ खाते हो, कुछ इस तरह का मिला के। तो जी आपने देखा पूरे घर कितना जो है वो बुरा हाल हो गया था, और दूर से वैसे ना फर्श कितना चमक रहा है, अभी बाहर का देखो मतलब कितना बाहर जो अंदर की टाइल्स है ना एक झाड़ू लगाने से भी काफ़ी चमक जाती है, और बाहर की टाइल्स जो ये लगी हुई है ना इन पे धूल मिट्टी कितनी दाई हुई है अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, बहुत बुरा हाल हो गया है। और क्योंकि सामने एक तो धूल बहुत ज़्यादा आंधी बहुत ज़्यादा उड़ी थी, सामने भी आप देख लो वो रेत है, दो प्लॉट हैं वो सामने, उनमें भी जो है रेत है, और बहुत ही मतलब हर चीज़ पे है वो हो गया था। अभी तो सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा किया है, और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करनी बाकी है। अगर शरीर में हिम्मत बची तो मैं करूँगी डस्टिंग, अदरवाइज़ जो है डस्टिंग फिर मैं नहीं करने वाली हूँ, खाली पोछा लगाकर मैं छोड़ दूँगी, और फिर रात के लिए कुछ या तो मैं बनाऊँगी या फिर देखेंगे क्या कुछ जो है वो करना है। क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले नमकीन चावल बना दिए थे, और एक एक कोने से जब मिट्टी निकलती है ना, और फिर वहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बनती है, जब आंधी आती है ना आप झाड़ू लगा ले तो उसके बाद पोछा लगाने के बजाय अगर आप पानी से धोते हो ना, तो उस पानी से धोने का जो है स्वाद ही अलग होता है, उसकी जो डस्ट निकलती है ना पानी से धोने के बाद वो बहुत अच्छे से निकलती है, एक एक मतलब ये कह सकते हैं कोने कोने से जो है वो मिट्टी जो है वो निकल जाती है। और ये जो पानी होता है मैं बाहर गली में फेंक देती हूँ, क्योंकि धूप है सूख जाता है साथ साथ में ही इसलिए, और बाहर गली में भी पानी डालने से क्या होता है थोड़ी बहुत देर तो है वो ठंड रहती है। और पोछे की घर की हालत जो मैं बताऊं, मैंने जो है अभी आप देखो मेरे पैरों में देखो मैंने चप्पल पहनी हुई है, ठीक है, मैंने हर रूम में से दो दो बार जो है वो पोछा लगाया, एक बार तो चप्पल पहन के जैसे मैं लगा रही थी ऊपर से फ़ैन चला दिया था, साथ साथ में दोबारा फिर से मैंने पोछा लगाया है, फिर चप्पल निकाल के पोछा लगाया है, तब जाके कहीं जाके सुकून मिला, तब जाके कहीं मन को शांति मिली है, घर में थोड़ा सा ना साफ़ सफाई जो हुई है थोड़ा चमका है ना घर थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सुकून मिला। अभी तो मेरे को ये डस्टिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी हो गया, डस्टिंग भी करूँगी अभी मैं अगर टाइम मिला तो, अगर तबीयत ठीक रही तो, शरीर में जान भी तो होनी चाहिए ये सारा काम करने के लिए, ये ताकि लगे हाथ में लग रही हूँ तो कम से कम झाड़ू पोछा तो ज़रूर हो जाए, ज़्यादा और काम नहीं कर पाऊँ तो। मैं डस्टिंग का काम तो अगर मैं मेरे से हुआ तो मैं जो है वो कल भी कर लूँगी, और अभी जो दोबारा फिर से जो है वो मैं पूरे रूम में जो है दोबारा पोछा लगा रही हूँ, साथ साथ में ही मैं दो दो बार पोछा लगा रही हूँ, कि दोबारा एक बार पोछा लग गया ना तो फिर दोबारा ये हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं दोबारा फिर से जो है पूरे घर में पोछा लगाऊँ, एक रूम में लग गया तो साथ साथ में दोबारा फिर से जो उसी रूम में लगा रही हूँ। तो अभी इस रूम में भी पोछा हो गया है पूरे घर का जो है वो जो है पोछा करने के बाद अभी मैं यह बाहर का जो है धोने का काम करूँगी, और इसको बहुत ही डीप क्लीनिंग करके जो वो मैं धोने वाली हूँ अच्छे से। अभी जो है बस पानी डाल दूँगी अच्छे से, और ये साइड में जो ये पट्टी लगी हुई ना, इस पट्टी पे भी जो है वो पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और जब किसी जगह पे ना हम पानी डालते हैं उसको साफ़ करते हैं, साथ साथ आपके पैरों पे पानी पड़ता है ना, तो शरीर में बहुत ही अच्छी ठंडक सी मिलती है, अभी बहुत चैन सुकून जो है वो मिलता है। और अभी पापा डाल के पानी अच्छे से बार बार पानी डालूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, और वो क्लीनिंग जो है जितनी ये अगर मैं पोछा लगाती ना पोछे से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता जितना पानी डालकर जो है वाइपर से खींचने से जो वो साफ़ होने वाला है। और इन पट्टियों पर ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है, क्योंकि इस पर भी रेत जो धूल मिट्टी जो इकट्ठी
गुठी हो गई थी, और ये वो बड़ा सा पोट है जिसमें मैंने जवे बोए थे। तो इसमें क्या करने वाले, इसको धुल के, और यहाँ मैं जो प्रीति आ गई, मैं प्रीति से जो वो बातें करने लग गई थी। मैं यहाँ का करीबन हम लोगों ने 10 मिनट बात करी। उस पोट को मैंने धो के उसमें मैं जानवरों के रखूँ के लिए रखूँगी। मैं अब डेली रोज़ के रोज़ उसमें पानी डाल दूँगी, उसको रोज़ धुलूँगी, रोज़ उसके अंदर पानी डाल दूँगी सुबह शाम। उसमें क्या है, चिड़िया है, कौवे हैं, चाहे कोई भी जानवर है, वो आके आराम से पानी पी लेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और गर्मी में क्या होता है, पानी का जो धर्म होता है वो बहुत बड़ा धर्म होता है। मतलब अगर आप जितना जो है भूखे प्यासे लोगों को आप पानी पिलाओगे ना, उतना ही आपको पुण्य मिलता है, ये कहते हैं। और जानवरों को तो यार जब हमें पानी की ज़रूरत है तो उनको क्या पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो नीचे भी जो है मैंने एक वो लगा रखा है मटकी फोड़ के, दो छोटे छोटे, उसमें एक मैं खाने का कुछ डालती हूँ, एक मैं पानी डालती हूँ। तो इसमें भी ऊपर जो है जानवरों के लिए पानी डाल दूँगी डेली। और ये टेबल का मैट था, इस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो इसको भी मैंने पानी में से जो है वो अच्छे से निकाल दिया है, खंगाल दिया अच्छे से, ये निचड़ेगा। और साथ साथ में जो है ये चेयर भी, क्योंकि ये चेयर बाहर थी और इस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जो है वो जम गई थी यहाँ पर, तो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करके यहाँ टेढ़ा खड़ा कर दूँगी ताकि इसका पानी जो अच्छे से निचड़ जाए। और अब ये सफाई होने के बाद, वाइपर से खींचने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना, जो शांति मिल रही थी, 2-3 दिन से मेरे मन को जो शांति नहीं मिली थी ना, वो वाली मिल रही थी भाई। और जिसको ना, जिसके शरीर को काम करने की आदत होती है ना, चाहे वो हारी बीमारी की क्यों ना हो, फिर अगर वो बीमार भी ना तब भी वो है वो घर के काम करेगा, क्योंकि उसके शरीर को आदत है। वो ठाली जो है वो बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। तो जी बस अभी यहाँ पर जो है पानी डाल दिया जानवरों के लिए, और यहाँ पर वो जो है वो पानी पी लेंगे। और अब मैं जाऊँगी अंदर, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बैठकर पानी पीऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। थैंक्स फॉर